आर बैक विद अनदर व्लॉग। हाँ तो सोचो जाएगा भाई यहाँ पे व्लॉग क्यों खड़ा है आपका भाई, इसलिए वो खड़ा है क्योंकि आज है चांद रात और आपका भाई जा रहा है अपनी ब्लैक पैंथरी को लेकर जरा घूमने झूमने, जरा देखें क्या सूरत हाल है भाई की। तो बराबर चलते हैं ब्लैक पैंथरी को लेके भाई जरा। अपने घर और राशि बहुत था यार के मैंने कैमरा सैमरा नहीं निकाला, ब्लैक पैंथर को पार करने के अपने गराज में देते हैं। हाय हाय बड़ा बच्चा पार करते हैं अपने गराज में, फिर सुबह निकलते हैं ईद खाने। आपके मैंने पाँच खाना खाया था, जरा एक खाया था ज़्यादा नहीं खाए थे। तो अब बड़ा बच्चे निकलते हैं ऊपर और आपको ऊपर आगे मिलते हैं। जगह भाई आ चुका है भाई अपने घर और भाई आप चांद हाथ का देख सकते हैं, लेकिन मुझे अभी तक भाई मेरे हिसाब से अभी तक ईद नहीं हुई कि मुझे चाँद नज़र नहीं आया। जब तक मुझे चाँद नज़र नहीं आएगा तो ईद कैसे होगी। वैसे तो मुझे चांद नजर आ गया है यहाँ पे खड़ा ही आज चांद, तो मैंने आपको मिलते हैं भाई सुबह सुबह उठ के नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाज होनी है 7:30 जाकर भी उठेगा 6:30 बजे, 6:30 बजे उठ के नहाएगा भाई साहब, ईद है नहाना पड़ेगा, नहाएगा फिर आकर भाई जाएगा भाई ईद की नमाज पढ़ने। अच्छा फिर आप कहेंगे ईद मुबारक, अभी आप लोग चांद रात मुबारक करो ये बात। और आपका भाई का सोचा है भाई ब्लैक पैंथरी की टंकी फुल ना कराइए, फुल कराई ली जाए टंकी फुल ब्लैक पैंथरी। ओए होए होए कितना मज़ा है भाई, पूरी ईद घूमेगा भाई, क्या बात क्या बात। सोचे हैं कल टंकी फुल करानी है कि नहीं करानी, यार रौनक भाई लगी हुई है बाजारों में, अभी भी लोग शॉपिंग करानी है, मुझे समझ नहीं आती भाई। एक जोड़ा पकड़ना है, बाल बनानी है, वॉच पहननी है, शूज़ पहनने हैं, बस ये होगी लड़कों की, लड़कियों की भाई साहब ख़त्म ही कोई नहीं होती, ख़त्म ही नहीं होती। चलो रहने दिया हमसे इस बात का कोई लिंक नहीं, हम लड़कियां भाई अल्हम्दुलिल्लाह। 6.5 hours later हेलो जी, वाओ वेरी डेंजरस, वी आर बैक विद द सेकंड डे, बल्कि ईद का डे आ चुका है। मौसम अल्लाह पाक ने इतना को हैवी कर दिया है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है भाई साहब। ये चेक करो तुम लोग, जब भी सुबह के अभी मैं तुम लोगों को अगर सुबह का टाइम बताता चलूँ ना, तो सुबह का टाइम इस वक्त हो रहा है, बल्कि मैं तुम लोगों को रील दिखाता हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि भाई इतना टाइम हो रहा है, कवर खोलो और ये तुम देखते हो 6:41 हो रहे हैं सुबह के, और यहाँ मौसम कितना क्लासिक हुआ है, क्लासिक। आपका भाई तो सा लेट उठा भाई, आगे भाई ने 15 मिनट पहले उठना, लगे 15 मिनट बाहर उठ गया, कोई बात नहीं फटाफट से चलते हैं नहाने और फिर चलते हैं ईद की नमाज पढ़ने, फिर आप सबको बोलेंगे जो बोलना होगा भाई। फटाफट से आप दोबारा देख लो यार क्या नज़ारियाँ सामने, क्या आए 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 क्या बात हो क्या बात। सब ईद की नमाज पढ़ने के जा रहे हैं, वो भाई आ चुके हैं, बस आपका भाई रह गया है ईद की नमाज पढ़ने वाला। साहब वो सूरज को देखो किधर गुस्सा हुआ है बादलों के बीच में, शर्म नहीं आ रही इसको, ये देखो इधर क्या बात है। मेरे पास S23 Ultra तो नहीं है ना कि तुम लोगों को मैं इतने जूम करके दिखाऊं, आईफोन है भाई, आईफोन में इतना जूम नहीं है, तो कोई बात नहीं आईफोन आईफोन जी। आपका भाई हो चुका है भाई फुल रेडी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का भाई ने पहना है पता नहीं कौन से कलर का कुर्ता, लेकिन मुझे पता नहीं है नाम नहीं आता, लेकिन अच्छा जो बोल लग रहा है भाई साहब। वाह बच्चे ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हम भी बराबर चलते हैं ईद की नमाज पढ़ने और देखते हैं क्या करना है आगे। देख सकते हैं आप मुझे, अगर मेरी पिक्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम शो रहा होगा, यहाँ पे फटाफट जाएं और पिक्स देखें मेरी कैसी कैसी अच्छी अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। तो मिलते हैं बाप को मस्जिद में, फटाफट से पढ़ते हैं नमाज, उनका टाइम रह गया बहुत, 15 मिनट का टाइम रह गया। अभी मैंने ब्लैक पैंथर को भी निकालना चलते हैं, जा रहे थी मास्क मैंने पैदल, क्योंकि भाई साहब अंकल जी ने कहा था पैदल जाओ ज़्यादा स्वाद मिलता है, तो फटाफट चलते हैं पैदल आगे। बैठो भी शोभी पहन ली है, पहले दफा का भाई ऐसे भी लोग हैं, फटाफट से चलते हैं आगे। और भाई साहब इस वक्त मौसम बहुत ही क्लासिकल हुआ है, बहुत ही क्लासिकल। आए हाय मिलते हैं आपको मस्जिद। उतना तो तुझे मैंने दे दिया था, और अगर तू तो उतनी उस उम्र में ठीक नहीं ना हुआ, अगर तू 50 साल जो पूरी कायनात को खिलाता है, जो नहीं मानता उनको ज्यादा खिलाता है, उनको दुनिया की नेमतें ज्यादा देता है। और अभी से बात की रोशनी में सकते बात है, जिसने जानबूझ कर एक रोजा छोड़ा। आपका भाई हो चुका है फूड, जैसे कि आपके भाई ने कहा था बारिश तो होगी, लेकिन बारिश हुई बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हुई, लेकिन तेज बारिश हुई, लेकिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद तूफान आया ना वो भाई क्लासिकल था। इतना प्यारे मौसम में देख सकते हैं आप, धूप निकली हुई है, और भाई साहब जो मज़ा नमाज पढ़ने का था ना इस मौसम में अंदर,
और वो भी नमाज दरबार के पड़ी गई तो मज़ा ही आया था यार, मज़ा ही आया था, बहुत मज़ा आया। अब आपका भाई खा रहा था शीख होना, फिर आपको मिलते हैं कहीं, अभी तो कहीं जाएंगे नहीं भैया, हम जाएंगे कोई 12 या 1 बजे जाते हैं अपने कपड़ों के पास, प्यारों के पास, वहाँ पे हम जाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद 100 सूखे। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा बाबा का भैया चुका है, देखते हैं अपनी ब्लैक पैंथर की टंकी फुल करने का भाई जा रहा है, पहली दफ़ा कितने की टंकी फुल होती है देखते हैं, और फटाफट से करते हैं अपनी ब्लैक पैंथर की टंकी फुल। बस जैसे कि आप लोगों ने देखा भाई टैंकी फुल कराई भाई 3000 रुपये की टैंकी फुल मोटरसाइकिल की 70 की, तो आगे 1-5 का क्या हाल होता होगा। 3000 रुपया ज़ाया हो गया है, पहली ईद का तोहफा अपनी मैंने ब्लैक पैंथरी को दे दिया है। अब आगे भाई जाया जरा कब्रिस्तान वगैरह मिलने मुलने, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भाई साहब यहाँ पे आपका भाई आ चुका है अपने दोस्त के घर, बेचारे आके भाई ने टंकी फुल करा ली। इधर जाओ, कि जा रहे हो, कुछ तमीज नहीं है। बंदा आया कोई उससे ईदी शीदी मिलता है, बंदा ईदी ईदी दो पहले। बेटा तुम्हें 2 साल छोड़ो, मैं कितने साल की हो? मैं उस टाइम कोई 13 झूठ बोल रही है, 16 साल का, 13 साल का मुझे कह रहा है भैया फुटबॉल यहाँ पे खेलने आए। मारिया बताओ जी, जब मैंने टंकी फुल गया कैसा फील हो रहा है? जो अमीर बंदा होता है वो करा सकता है। गया ही लाइक सब्सक्राइब करो ना, फिर एक और दफा कराएंगे हम जाएंगे। हाँ फिर इसको वैगन आर लेके देते हैं। नहीं वैगन आर नहीं लेनी, मैं सीधा ही भाई सोपो ही नहीं, मैंने लेनी। यहाँ पे का भाई आ चुका है समोसे खाने का, हो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा है वो उसका है। आप फटाफट चलते हैं समोसे खा के घर, फिर आपसे मिलते हैं घर में। का भाई आ चुका है भाई किसी बाग में कुछ शूट करने, वो आपको शूट की जगह मिलेगी, शूट की पिक्चरें जो मिलेंगी वो मिलेंगी आपको इंस्टाग्राम पे, ताकि फटाफट से फॉलो कर लो। ये घास हुई गीली क्योंकि हो गया सुबह बारिश, जैसे कि मेरी प्रेडिक्शन थी बारिश हुई होनी है। तो भाई साहब यहाँ पे कोई लोकेशन ही पसंद नहीं है, जिधर भी जाएं यही हिसाब हो रहा है। यहाँ तो धूप आ रही है पीछे, यहाँ तो भाई मौसम ही सही नहीं है। ये सही ईद मना रहे हैं, फुल एंजॉय, फुल मॉल, क्या बात, क्या बात, चिल मॉल है। हम सो रहे हैं और एक काम है भाई, इधर भटक रहे उधर भटक रहे। अब हमें ये नहीं पता है बाइक इधर खड़ी की थी, वो उस साइड पर गई थी, वो वाले गेट से नहीं यहाँ दिखाएंगे। मुझे नहीं लगता कि फोटो ज्यादा अच्छी हुई है क्योंकि फोटो मुझे लेते ज्यादा बकवास ही आई है, देखते हैं कि क्या होता है। मुझे मेरी ब्लैक पैंथरी नहीं मिल रही, हम पता नहीं कहाँ से दर से निकल गए। वो आ गई मेरी ब्लैक पैंथरी, क्या वाह मेरी ब्लैक पैंथरी, किधर तुम गए थे, किधर गए थे तुम इतना ढूंढा? जी आगे भाई जा रहा है अब जरा दोस्तों के साथ बाहर, शायद देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है हमारा बाहर का, बर्गर खाने का, शर्गर खाने का। तो 6:30 हो चुके हैं, देखते हैं बाहर कितनी रौनक लग गई है, समझ रहे हो ना। तो निकलते हैं फटाफट से बाहर और आपको मिलते हैं बाहर दोस्तों के साथ। ब्लैक पैंथरी की टंकी फुल है, यहाँ पे आगे भाई जा रहे हैं दोस्तों के साथ, दोस्त हमारी कैब होगी, हाँ यही है, यही है भाई। तो फटाफट चलते हैं दोस्तों के साथ आगे, मेरे साथ मेरा ड्राइवर मौजूद है, मुझे मैंने आज उसको मोटर दे दी है, देखते हैं कितने की मोटर चला लेता है तेज। आप जानते हैं पेट्रोल मुक चुका है, खत्म हो चुका है, और हमारी टैंकी है भैया से बताया आपको आपके भाई ने करा ली भाई, देखते हैं क्या काम होता है। अपने जाहिल दोस्तों के साथ होकर नए खा के फिर चलते हैं घर पे, आपको मिलते हैं घर में।
बना लेती हूं।